अजय तिवारी की रिपोर्ट। खरगोन में राशन दुकान सेल्समैन और उपभोक्ताओं की परेशानियों को देखते हुए सभी सेल्समैन मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध करते हुए जिला कलेक्टर के नाम और जिला खाद्य अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। सेल्समैन का कहना है कि उपभोक्ताओं को POS मशीन से वितरण रजिस्टर के माध्यम से अनाज वितरण नहीं कराया जा रहा है। शासन सेल्समैन की समस्या को नहीं समझ रहा है। हाल ही के दिनों में एक आदेश जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि कोई भी राशन दुकान से अनाज लिया जा सकता है, जिसके बाद से POS मशीन का सर्वर डाउन हो गया है। इस कारण से जिला खाद्य अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर सेल्समैन संगठन ने अपनी समस्याएं व्यक्त करते हुए शासन प्रशासन के नाम ज्ञापन दिया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये आज आपने खाद्य अधिकारी के नाम से जिला कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं जिसको लेकर आपको यहाँ पर पहुँचना पड़ा है? सबसे पहली मांग खरगोन जिले के समस्त सेल्समैनों की ये है कि अभी 1 जुलाई से लगभग 11 जुलाई हो चुकी है, सर्वर पूरा डाउन है, मशीन से वितरण नहीं हो पा रहा, जिससे उपभोक्ताओं में काफ़ी परेशानी हो रही है। उपभोक्ताओं को सामग्री नहीं मिल पा रही, सेल्समैन भी काफ़ी परेशान है। इस स्थिति को देखते हुए हमारे दूसरे जिलों में 2-3 सेल्समैनों का आकस्मिक निधन भी हो चुका है, तो उनकी याद में हमने मौन भी किया है और जिलाधीश महोदय से हमने अनुरोध किया है कि POS मशीन का जो वितरण हो रहा है उसको फिलहाल में या सही कराया जाए, ये समस्या का हल कराया जाए। यदि समस्या हल नहीं हो रही है तो क्या कारण है जिसको लेकर ये परेशान हो रहा है? सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रदेश में अभी एक नई योजना लागू हुई है जिससे कि कोई भी राशन कार्ड किसी भी दुकान से सामग्री ले सकता है। तो ये योजना अभी लगभग 16 जिलों में हुई है जिसमें हमारा खरगोन जिला भी आ रहा है। उसके बाद ये जो समस्या उत्पन्न हुई है जिससे मशीन पूरी डाउन हो चुकी है, जो POS मशीन जिससे वितरण होता है कंट्रोल दुकानों पर, जिसमें गेहूँ चावल शक्कर केरोसिन गरीबी रेखा और अंत्योदय आलोक मिलता है, उस स्थिति में वितरण नहीं हो पा रहा, जिससे उपभोक्ता आए दिन दुकानों पर मारकूट कर रहे हैं, सेल्समैनों के साथ मारपीट हो रही है और उपभोक्ता भी खास करके परेशान है, उसको सामग्री नहीं मिल पा रही। तो हमने आज अनुरोध करा है अगर POS मशीन से वितरण नहीं होता है तो हमारा वितरण की कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए जिससे जनता भी परेशान नहीं हो। और एक विषय हमने हमारी बात यह भी रखी है कि अगर हमारी बात को नहीं माना गया 1 अगस्त तक तो हम पूरे खरगोन जिले के सेल्समैन सभी POS मशीन लाकर हमारे खाद्य विभाग में जमा कर देंगे। किशोर रघुवंशी कर्मचारी।